डिस्कशन करेंगे। जहाँ तक हमको ज्ञात है कि किसी भी पार्टिसिपेंट ने इसको स्पेशल सब्जेक्ट के रूप में नहीं लिया है, सब लोग कोई बुक्स बजट लिया होगा, एक्सपेंडिचर लिया होगा, लेकिन जीआरपी में इससे कुछ क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। तो इसके लिए दो क्लास आपका रखा गया है भंडार लेखा का। तो हम लोग सबसे पहले यह समझेंगे कि भंडार लेखा में क्या काम होता है, हम लोग कौन सा काम यहाँ करते हैं भंडार लेखा कार्यालय में। तो हम लोग किसका काम करते हैं, अकाउंट्स ऑफिस किसी न किसी विभाग का काम करता है। तो भंडार लेखा जो कार्यालय है वह भंडार विभाग का काम करता है, जिसके ऐसे ऑफिशियल ऑफिस नेम है ऑफिस ऑफ द PCMM। आप लोगों को ये भी आ सकता है, एक नंबर का क्वेश्चन आना है तो, कि PCMM का फुल फॉर्म क्या है, तो आप लोग बताइए। प्रिंसिपल चीफ मटेरियल मैनेजर। PCMM का फुल फॉर्म बताइए आप लोग। प्रिंसिपल चीफ मटेरियल मैनेजर। तो हम लोग प्रिंसिपल चीफ मटेरियल मैनेजर के ऑफिस के जो वर्क्स हैं वो वर्क्स ही हमारे पास आते हैं जांच के लिए, ठीक है। तो वो ऑफिस क्या काम करता है, सबसे पहले तो ये है कि PCMM ऑफिस ही क्या काम करता है, तब ना उसका वर्क हमारे पास आएगा तो हम समझेंगे। तो PCMM ऑफिस का मुख्य काम है कि हमारे जितने भी अदर एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट्स हैं उनके मांग पर, उनके डिमांड पर PCMM ऑफिस मटेरियल की खरीद करता है। मुख्य जो काम है PCMM ऑफिस का, मटेरियल की प्रोक्यूरमेंट करना है, खरीदारी करना है। अब खरीदारी होगा कैसे, तो इसके लिए सबसे पहले कंसाइनी डिपार्टमेंट जो है, कंसाइनी डिपार्टमेंट के साथ PCMM ऑफिस का एक ऑफिस जुड़ा रहता है जिसको डिपो कहा जाता है, ठीक है, स्टोर्स डिपो। तो कंसाइनी डिपार्टमेंट स्टोर्स डिपो को अपना रिक्विजिशन देता है, मांग पत्र देता है कि हमको इस मटेरियल का इतना क्वांटिटी में इस पीरियड से इस पीरियड तक आवश्यकता है, और ये मांग पत्र एक साल पहले दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि पीरियड आपको बताया जा रहा है, तो उसने बताया कि हमको माल खरीदना है जनवरी 21 से लेकर के दिसंबर 21 तक के लिए, तो ये दिसंबर 20 में ही मांग पत्र दे देता है उसको। PCMM ऑफिस उसके इंडेंट देता है, कंसाइनी डिपार्टमेंट। PCMM ऑफिस उस पर अपना डिमांड बनाएगा। अब डिमांड जो है दो तरह का होता है, क्योंकि मटेरियल ही दो तरह का होता है, एक स्टॉक मटेरियल और एक नॉन स्टॉक मटेरियल। तो स्टॉक मटेरियल के लिए डिमांड एक साल पहले जनरेट होगा, और नॉन स्टॉक मटेरियल के लिए डिमांड जो है जब उसकी आवश्यकता होगी उस समय कुछ पहले, एक महीना दो महीना पहले जनरेट होगा। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं इसी पर कि स्टॉक आइटम्स क्या है और नॉन स्टॉक आइटम्स क्या है, या स्टॉक आइटम्स क्या है और अदर देन स्टॉक आइटम्स क्या है। इस पे क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक आइटम एंड नॉन स्टॉक आइटम्स। आपको हम यहाँ तक ले आए कि दो तरह का कैटेगराइजेशन किया गया है मटेरियल का, स्टॉक और नॉन स्टॉक। तब इसको हम डिटेल में समझेंगे कि स्टॉक आइटम्स क्या है, नॉन स्टॉक आइटम्स क्या है, उसके लिए क्या कोई सीमा निर्धारित किया गया है, कोई मानदंड निर्धारित किया गया है, और उनका फिर कैसे जो है प्राप्ति किया जाता है, कैसे खरीद किया जाता है। देखिए, तो स्टॉक आइटम वह आइटम है जिसको कि रेल को लगातार जरूरत होता है, उसकी आवश्यकता पुनरावृत्ति होते रहती है। इसलिए ऐसे आइटम को हम लोग स्टॉक करके रखते हैं। स्टॉक नाम क्यों पड़ा, क्योंकि उसको जमा करके रखते हैं,
एक साल पहले ही उसका डिमांड बना लेते हैं, उसको पहले से ही खरीद के रखते हैं, क्योंकि इसकी आवश्यकता हमें लगातार पड़ते रहती है। तो इसको हम लोग कहते हैं स्टॉक आइटम। अब आप लोग समझ गए कि स्टॉक आइटम क्या है। यस सर। जी। समझ गए। जिस सामान की रेलवे को लगातार आवश्यकता होती है, जिसकी पुनरावृत्ति होते रहती है उपयोग में, उसको स्टॉक आइटम के रूप में क्लासिफाइड किया गया है, और उसके लिए एक अलग पीएल नंबर बनता है। अब एक नंबर के क्वेश्चन में आपको आ सकता है कि व्हाट इज पीएल नंबर, बताइए पीएल नंबर क्या है। उसको एक अलग पीएल नंबर देते हैं। तो याद रखिए, लिखिए पीएल नंबर मतलब प्राइस लिस्ट नंबर, वस्तु सूची संख्या, मूल्य सूची संख्या, वस्तु मूल्य सूची संख्या, प्राइस लिस्ट नंबर। ठीक है, पीएल नंबर। तो स्टॉक आइटम का एक अलग पीएल नंबर दिया जाता है, और नॉन स्टॉक आइटम में ऐसे आइटम होते हैं जिसकी लगातार आवश्यकता नहीं होती है, रेगुलर कंज्यूमेबल आइटम नहीं है वो, और उसको हम स्टॉक करके नहीं रखते हैं, या बहुत महंगी मदें जो है, रेगुलर कंज्यूमेबल भी है लेकिन जिसकी कीमत बहुत ज्यादा है, जैसे रेल की पटरी ही जो मान लीजिए, तो स्टॉक आइटम नहीं है रेल की पटरी, उसको नॉन स्टॉक आइटम के रूप में रखा गया है, क्योंकि हम स्टॉक वैसे आइटम को ही करते हैं कि जिसमें हमारा बहुत सारा रेवेन्यू, राजस्व जो है हमारा, पैसा जो है हमारा ब्लॉक न हो जाए, क्योंकि हम उसका एक साल पहले क्रय करते हैं। तो बहुत महंगे आइटम को भी स्टॉक आइटम में नहीं रखा जाता। तो ऐसे आइटम जो कि रेगुलर यूज में नहीं है और उच्च मूल्य का है, उन सबको नॉन स्टॉक आइटम के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया। ठीक है, और उनका पीएल नंबर अलग दिया जाता है, और उनके पीएल नंबर में एन वर्ड लिखा रहता है। क्या लिखा रहेगा? एन का जो लेटर है, एन लेटर लिखा रहेगा। जैसे मान लीजिए पीएल नंबर रहेगा कि 3 5 6, एन बीच में रहेगा, फिर 6 2 3, तो इससे वो पहचान हो जाती है कि ये नॉन स्टॉक आइटम। तो समझ गए आप लोग नॉन स्टॉक आइटम। सर, पीएल नंबर क्या क्या दर्शाता है 8 अंक में? सर उसको बता दीजिए, पीएल नंबर में 8 अंक होता है, वो क्या क्या दर्शाता है 8 अंक? पीएल नंबर में देखिए 8 अंक जो होता है, पहला जो है आपको उस डिपो का कोड दर्शाता है। ठीक है, जिस डिपो का वो पीएल है उस डिपो का कोड दर्शाता है। ठीक है, उसके बाद जो 4 गो नंबर है वो ईयर दिखाता है, किस ईयर का है। कौन सा नंबर? बाद के जो 4, जैसे मान लीजिए कि हम लिखे कि 34 20, ठीक है ना, 34, उसके बाद हम लिखे 20 20, तो ये हो गया क्या कि 34 हो गया डिपो का कोड। ठीक है, हेलो। और उसके पहला बाद जो डिजिट डिपो, पहला 2 डिजिट। हाँ, पहला 2 डिजिट डिपो का कोड, उसके बाद वो आपका ईयर आ जाएगा। ठीक है, 4 डिजिट हो गया, और 20 लिखे तो यानी 2020 हो गया। जैसे हम लिख दिए कि 34 19 0001, ठीक है, तो 34 डिपो कोड हो गया, 19 जो हो गया ईयर हो गया, और वो संख्या हो गया 0001। समझ गए? ये लास्ट वाला 4 को क्या बताएगा? नंबर वो 4 को उसी, हाँ, वो नंबर नंबर बताएगा आपका। तो अभी हम लोग आए कि भंडार विभाग खरीद करता है, उसका आधार है कि वो स्टॉक आइटम खरीदता है और नॉन स्टॉक आइटम चारों खरीदता नंबर को कुछ ना कुछ तो इशारा करता होगा ना।
नहीं, न्यूमेरिकल नंबर दिया गया है, संख्या वो तो बनते रहेगा ना, एक नंबर बना, दो नंबर बन सकता है, तीन नंबर बन सकता है, चार नंबर बन सकता है, अच्छा ऐसे करके 100 नंबर बन सकता है, तो 1000 तक का व्यवस्था दिया हुआ है। अच्छा वस्तु का नंबर, समझ गए जी। तो भंडार विभाग क्रय करेगा, तो क्रय करेगा तो इसके लिए अब डिमांड बनेगा, स्टॉक और नॉन स्टॉक का डिमांड बनेगा। अच्छा अब तो अगर ये थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं हम लोग कि स्टॉक आइटम निर्धारण करने का सिद्धांत क्या है, किस सिद्धांत पर स्टॉक आइटम का निर्धारण होता है। शॉर्ट में हम बताए थे, डिटेल सिद्धांत किताब में बना हुआ है, कोड में बना हुआ है। देखिए पहला है कि इसकी लगातार मांग के कारण इसकी नियमित पुनरावृत्ति हो, वैसा ही आइटम स्टॉक आइटम में रहेगा जिसका लगातार मांग के कारण नियमित पुनरावृत्ति होगा। सर एक क्वेश्चन है, पहले तो जहां डिस्कशन हो रहा है वहां आइए, ठीक है ना। क्रम से हम आपको ले चल रहे हैं शुरू से, फिर हम ले चलेंगे आगे, ठीक है ना। ऐसे आपको पहले ये समझने में सबको सुविधा होगा, यदि कोई पढ़ लिया होगा तो उसको पता होगा। तो एक हो गया, इसका निर्धारण करने का कारण क्या है कि इसको टुकड़ा में मांग न किया जाए। मान लीजिए कि कंसाइनी कभी कह दे कि 100 आइटम दे दो खरीद के, फिर कह दे कि 50 आइटम दे दो, तो इसलिए स्टॉक आइटम को स्टॉक रखा जाता है कि इसकी टुकड़ा में मांग नहीं करेगा कंसाइनी, वो बल्क डिमांड बनाएगा अपना, एक साल का पूरा आकलन करेगा और देगा। और आपातकाल चूंकि ये रेगुलर आइटम है हमारा, तो इमरजेंसी में यदि हमको जरूरत पड़े तो हम इसको तुरंत उपलब्ध हो जाए, ये सब सिद्धांत बनाए गए हैं। और इसमें एक मुख्य बात ये भी है कि इसका सामूहिक कीमत इतना है कि हमारा बहुत सारा पैसा ब्लॉक न हो, ठीक है। और नॉन स्टॉक आइटम तो रेगुलर कंज्यूमेबल आइटम नहीं है वो, और जब जरूरत पड़ता है तो उसके लिए अलग से जो है एक नॉन स्टॉक डिमांड बनेगा और अलग से प्रोक्योरमेंट उसका होगा, वो महंगी आइटम भी होती है उसमें। तो मुख्य बात आपको हो गया। अब भंडार विभाग जो है इसके लिए जब स्टॉक डिमांड बनाएगा तो डिमांड कैसे बनता है, इस पे आते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो डिमांड पर लिखाएगा क्या क्या लिखाएगा, तो पहले तो पीएल नंबर लिखाएगा कि किस पीएल नंबर के लिए डिमांड बन रहा है, ठीक है। उसके बाद उसका सीपी लिखाएगा, सीपी, सीपी क्या हुआ, सीपी मतलब कॉन्टैक्ट पीरियड, सीपी क्या हुआ कॉन्टैक्ट पीरियड। ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन एक नंबर में आ सकता है आपको एब्रीविएशन में। कॉन्टैक्ट पीरियड क्या हुआ, कॉन्टैक्ट पीरियड हुआ कि जैसे हम अभी बताए थे थोड़ा देर पहले कि हमको खरीदना है जनवरी 21 से दिसंबर 22 तक का, तो वही हमारा कॉन्टैक्ट पीरियड हुआ। तो डिमांड पर कॉन्टैक्ट पीरियड भी लिखाएगा, डिमांड किस दिन जनरेट हुआ वो लिखाएगा। उसके बाद ये डिमांड रेगुलर डिमांड है, देखिए अब डिमांड भी स्टॉक डिमांड भी दो तरह का हो जाता है। रेगुलर डिमांड, रेगुलर डिमांड वैसा डिमांड है जो नियमित तौर पे जनरेट होता है और उसका एक डेट फिक्स होता है, एक टाइम महीना फिक्स होता है कि इस डिपो का डिमांड जो है, इस आइटम का डिमांड जो है, इस डिस्क्रिप्शन का डिमांड जो है इस महीने में जनरेट होगा। मान लीजिए कि जुलाई में फिक्स है तो जुलाई में ही जनरेट होगा, तो वो रेगुलर डिमांड हो गया। और एक होता है शॉर्टफॉल डिमांड, अर्जेंसी डिमांड उसको कहते हैं। तो शॉर्टफॉल अर्जेंसी डिमांड है कि रेगुलर डिमांड जनरेट है, उससे क्वांटिटी प्रोक्योरमेंट हो रहा है, लेकिन अचानक अभी और जरूरत पड़ गई, तो उसी सीपी के लिए, जिस सीपी के लिए रेगुलर डिमांड बना था, एक शॉर्टफॉल डिमांड जनरेट होगा कि शॉर्टफॉल हो गया क्वांटिटी का। एक ही सीपी के लिए दो रेगुलर डिमांड जनरेट नहीं हो सकता है, ध्यान रखिए कि एक ही सीपी के लिए दो रेगुलर डिमांड जनरेट नहीं हो सकता है। तो इसके लिए क्या व्यवस्था है कि इमरजेंसी रिक्रूटमेंट मेमो या शॉर्टफॉल डिमांड जनरेट हो।
तो कैसा डिमांड है वो लिखा रहेगा उस पे, कि रेगुलर डिमांड है कि शॉर्टफॉल डिमांड है, सीपी लिखा रहेगा, आइटम का डिस्क्रिप्शन लिखा रहेगा। आइटम का डिस्क्रिप्शन का मतलब कि मटेरियल कौन सा मटेरियल खरीदा रहा है, मटेरियल का पूरा नाम लिखा रहेगा, उसका ड्राइंग नंबर लिखा रहेगा, डिजाइन लिखा रहेगा, समझ गए। उसके बाद उस डिपो का 3 साल का उस पे हिस्ट्री रहेगा, कंजम्पशन हिस्ट्री। कोई भी स्टॉक आइटम, स्टॉक आइटम में कंजम्पशन हिस्ट्री बना के ही लाया जाता है। कैसे पता चलेगा कि रेगुलर कंज्यूमेबल आइटम है, तो उसका देखा जाता है हिस्ट्री कि ये रेगुलर कंज्यूम हो रहा है कि नहीं। तो डिमांड में रेगुलर 3 साल का कंजम्पशन दिया रहेगा, कि मान लीजिए कि डिमांड बन रहा है 20-21 का, तो 17-18 में कितना कंजम्पशन हुआ, 18-19 में कितना कंजम्पशन हुआ, 19-20 में कितना कंजम्पशन हुआ, ये दिया रहेगा। उसके बाद डिमांड में दिया रहेगा स्टॉक, स्टॉक पोजीशन। स्टॉक पोजीशन का मतलब हुआ कि अभी भंडार में, डिपो में यह क्वांटिटी कितना है, ठीक है, या अभी डिपो में यह क्वांटिटी कितना है, तो ये हो गया स्टॉक क्वांटिटी। उसके बाद उस पे रहेगा उल्लेखित ईएसी ऑब्लिक एएसी। अब देखिए इस ईएसी और एएसी भी आपको पूछ सकता है एब्रीविएशन में, तो ईएसी का मतलब क्या हुआ, तो लिखिए आप लोग लिख सकते हैं। तो ईएसी का मतलब हुआ इस्टीमेटेड एनुअल कंजम्पशन, ईएसी का मतलब क्या हुआ, इस्टीमेटेड एनुअल कंजम्पशन, और एएसी का मतलब क्या हुआ, एवरेज एनुअल कंजम्पशन। ईएसी और एएसी कैसे तय होता है, कि किसी आइटम का ईएसी इतना ही है, किसी आइटम का मान लीजिए कि ईएसी ऑब्लिक एएसी 1000 है, तो कैसे तय होता है, तो एक कंसाइनी डिपार्टमेंट, जैसे मान लीजिए मैकेनिकल का आइटम खरीदाना है, तो कंसाइनी डिपार्टमेंट जो है वो अपना बनाता है कि हमको इतना, 3 साल का वो भी कंजम्पशन पैटर्न देखता है। कैसे तय होगा, 3 साल का कंजम्पशन पैटर्न देखेगा, उसका एवरेज निकालेगा और उसको पीसीएमएम ऑफिस को देगा कि ये हमारा इसका एनुअल कंजम्पशन बनना चाहिए। पीसीएमएम ऑफिस भी उसको जांचेगा, अपने डिपो से मिलाएगा, और उसको कैटेगरी फिर बना हुआ है कि ए बी सी डी 4 तरह का आइटम का कैटेगरी बना हुआ है, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, डी कैटेगरी। तो ए कैटेगरी आइटम, चूंकि ए कैटेगरी में महंगा आइटम, आगे हम डिटेल में पढ़ाएंगे, कैटेगरी पर क्वेश्चन है किताब में कि ए बी सी डी का कैटेगराइजेशन कैसे हो डिटेल में, अभी यहाँ शॉर्ट में डिमांड प्रिपरेशन में आपको बता रहे हैं। तो कैसे एएसी और एएसी फिक्स होगा, तो फिक्स होगा तो बी सी और डी कैटेगरी का स्टोर और कंसाइनी मिलकर निर्धारण कर लेंगे, उसमें अकाउंट्स के पास फाइल नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन ए कैटेगरी आइटम बना हुआ है कि वो महंगे आइटम है, उसका लिस्ट बना हुआ है कि कौन सा पीएल ए कैटेगरी में रहेगा, वो मूल्य के आधार पर ही बना हुआ है, ज्यादा महंगे आइटम को ए कैटेगरी में रखा गया। तो ए कैटेगरी आइटम अकाउंट्स ऑफिस में फिर आएंगे ईएसी एएसी भेटिंग के लिए। हम लोग उसको जब भेंट करेंगे तो वो फिर अप्रूव्ड हो जाएगा कि ये इतना ईएसी या एएसी हुआ, तो डिमांड पे लिखा रहेगा ईएसी और एएसी, समझ गए। उसके बाद डिमांड की नेट क्वांटिटी का कैसे कैलकुलेशन होगा, डिमांड जब बनेगा तो कैसे आएगा कि कितना सामान खरीदना है। तो जैसे हम आपको बता रहे थे कि हमारा डिमांड का सीपी क्या लिए थे, हम जनवरी 21 से दिसंबर 22, और ईएसी मान लीजिए कि 1200 था, ठीक है, ईएसी 1200 था, तो बताइए कि मंथली कंजम्पशन कितना हुआ। ईएसी जो है पूरे 1 साल का होता है, तो मंथली कंजम्पशन कितना होगा, आप लोगों में से कुछ लोग बताइए, सुन रहे हैं हमको आप लोग, कोई नहीं सुन पा रहा है। मान लीजिए कि किसी मटेरियल का ईएसी 1200 है, 1200, तो उसका मंथली कंजम्पशन कितना होगा। 100 हाँ, क्योंकि ईएसी पूरे 12 महीने का होता है,
तो उसको 12 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ गया मंथली कंजम्पशन 100। तो अब डिमांड का जब कैलकुलेशन होगा नेट क्वांटिटी का, तो उसमें आएगा कि पहले सीपी क्वांटिटी, सीपी क्वांटिटी मतलब कंट्रैक्ट पीरियड का क्वांटिटी। तो कंट्रैक्ट पीरियड तो 12 महीना होता है और ईएसी भी 12 महीना का होता है, तो जितना ईएसी था उतना ही सीपी क्वांटिटी हो गया, मतलब 1200 हो गया सीपी क्वांटिटी। एक आता है आईपी क्वांटिटी। ये आईपी क्वांटिटी क्या है भाई, तब इसको लिखिए कि आईपी क्या है, आप लोग नोट कर सकते हैं। आईपी मतलब अंतरिम पीरियड, आईपी मतलब अंतरिम पीरियड, आई एन टी आर आई एम, अंतरिम पीरियड। ये क्या होता है, तो हम आपको बताए थे कि मान लीजिए कि हमको मटेरियल का खरीद करना है जनवरी 21 से दिसंबर 22 तक, सॉरी दिसंबर 21 तक, तो हम बोले थे कि नियम है कि रेगुलर डिमांड एक साल पहले जनरेट होगा। कब जनरेट होगा, एक साल पहले, यानी जनवरी 20 में ही उसका रेगुलर डिमांड जनरेट होगा, ठीक है। तो हो सकता है कि जनवरी 20 में ना जनरेट हो, फरवरी 20 में हो, नियम है एक साल पहले, मार्च 20 में हो, मई 20 में हो। मान लिया कि हम जो अभी जिस डिमांड पर चर्चा कर रहे हैं कि ये डिमांड जनरेट हुआ क्योंकि लॉकडाउन आ गया मार्च में, ऑफिस सब बंद हो गया, ठीक से अप्रैल में खुला, मई में फिर ऑफिस ठीक से नहीं चला। मान लीजिए कि ये डिमांड ही जनरेट हुआ जुलाई 20, कब हुआ डिमांड जनरेट, जुलाई 20, और डिमांड का सीपी कब था, जनवरी 21। तो जिस महीने में डिमांड जनरेट हुआ उस महीने से गिनिए, जैसे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 7 महीना हुआ, जनवरी नहीं उससे एक महीने पहले तक, वो तो सीपी में आ गया जनवरी, यानी जुलाई से लेकर दिसंबर तक, यानी सीपी जब से स्टार्ट हुआ उससे पहले के महीना से लेके डिमांड जिस महीने में जनरेट हुआ उस महीना, या डिमांड जिस महीने में जनरेट हुआ उस महीना से लेकर सीपी जब शुरू हुआ उसके पहले के महीने तक की जो अवधि होगी, जो पीरियड होगी, इसी पीरियड को हम क्या कहते हैं, अंतरिम पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतरिम पीरियड, आईपी। तो आईपी क्वांटिटी, हाँ आईपी क्वांटिटी हमारे उदाहरण में क्या हुआ, 6 महीना हुआ, 6 महीना हुआ, तो 6 महीना हुआ तो एक महीना का कंजम्पशन 100 था हमारे उदाहरण में, तो 6 महीना का 600 हुआ, तो आईपी क्वांटिटी हो गया 600, सीपी क्वांटिटी हो गया 1200, ठीक है। अब बफर क्वांटिटी एक होता है, बफर क्वांटिटी क्या है, बफर आप लोग जानते हैं, बफर स्टॉक क्या होता है, यस सर, जो आकस्मिक, हाँ बोलिए, ठीक बोल रहे हैं, ठेकेदार द्वारा सप्लाई नहीं किया जाता है उसके लिए रखा जाता है उस समय के लिए, समय है कि हमारी आकस्मिक जरूरत हो जाए तो हम कुछ एक्स्ट्रा रखते हैं, ठीक है ना, एक्स्ट्रा प्रोक्योरमेंट करके रखते हैं कि मान लीजिए हम पीओ प्लेस किए हैं और माल सप्लाई नहीं हुआ, फेल कर गया सप्लायर जो है, तो हम बफर क्वांटिटी रखते हैं पहले से ही खरीद के। तो बफर का निर्धारण जो है देखिए कैसे होता है, वो भी आइटम के कैटेगरी पर निर्भर करता है। हम आपको बताए थे कि आइटम होता है ए बी सी डी, ठीक है, तो ए कैटेगरी का आइटम सबसे महंगा होता है तो उसका बफर हम कम ही रखते हैं, एक महीना रखते हैं। ए कैटेगरी का बफर कितना होता है, एक महीना, याद रखिएगा आप लोग, एक नंबर में सब आ सकता है। ए कैटेगरी का बफर कितना, एक महीना, हाँ। बी कैटेगरी के लिए 2 महीने का क्वांटिटी लेंगे, सी के लिए 3 महीने का लेंगे, डी के लिए भी 3 महीने का लेंगे, मैक्सिमम 3 महीने का बफर लिया जाएगा। याद रखना बहुत आसान है, ए बी सी 1 2 3, ठीक है ना, ए कैटेगरी के लिए 1, बी कैटेगरी के लिए 2 मंथ, सी कैटेगरी के लिए 3 मंथ, डी के लिए भी 3 मंथ। तो ये रहेगा। अब ये तीनों, जैसे हमारा मान लीजिए कि आइटम था सी कैटेगरी का जो हम अभी उदाहरण में लिए, तो हमको 3 महीना का बफर भी चाहिए, तो कितना आइटम हो गया, 1200 सीपी था, 600 आईपी का आइटम हो गया था, और 3 महीने का बफर 300 हो गया, 1200 6 1800 3 2100 क्वांटिटी हो गया हमारा। अब इसमें घटेगा क्या, तो घट इसमें माइनस होगा तीन चीज, देखिए प्लस हुआ तीन चीज, आईपी क्वांटिटी, सीपी क्वांटिटी, बफर क्वांटिटी, तीन चीज प्लस हुआ, माइनस होगा स्टॉक क्वांटिटी, कवर्ड यूज क्वांटिटी, अनकवर्ड यूज क्वांटिटी। तब हम देखेंगे कि स्टॉक क्वांटिटी क्या है, तो स्टॉक क्वांटिटी का मतलब उस आइटम का हमारे डिपो में
कितना स्टॉक पड़ा हुआ है जो यूज नहीं हुआ है, किस दिन तक यूज नहीं हुआ है, जिस दिन वो डिमांड बन रहा था, जनरेट हुआ, ठीक है। तो स्टॉक में मान लीजिए कि 500 आइटम पड़ा हुआ है। उसके बाद आइटम आता है कवर्ड ड्यूज। कवर्ड ड्यूज क्या होता है? देखिए, तो कवर्ड ड्यूज ऐसा ड्यूज है कि पहले का कोई डिमांड जनरेट हुआ, उस पे प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस चला और फर्म को पीओ इशू हो गया। क्या हो गया? फर्म को पीओ इशू हो गया, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? कवर्ड ड्यूज कहते हैं, हाँ ठीक है। फर्म को पीओ इशू हो गया लेकिन मटेरियल की सप्लाई अभी डिपो को नहीं हुई है। यदि मटेरियल का सप्लाई हो जाता तो वो तो स्टॉक में आ जाता। जैसे ही मटेरियल की सप्लाई हो जाएगी, कवर्ड ड्यूज का आइटम स्टॉक में चला जाएगा, समझ रहे हैं? तो कवर्ड जी जो ड्यूज है, जो पीओ हम सप्लायर पर इशू कर चुके हैं, मटेरियल की सप्लाई नहीं हुई है लेकिन वो है कि हमारा तो आने वाला है मटेरियल, तो इसलिए वो भी माइनस होगा। तो कवर्ड ड्यूज मान लीजिए कि पहले हम कोई पीओ जारी किए थे 600 क्वांटिटी के लिए, तो 600 ये भी माइनस होगा। अब एक माइनस होता है अनकवर्ड ड्यूज। अनकवर्ड ड्यूज क्या है? तो पहले का कोई ऐसा डिमांड कि डिमांड जनरेट हो गया, उस पे पीओ इशू करने का प्रोसेस चल रहा है। क्या हो रहा है? पीओ इशू करने का प्रोसेस चल रहा है, मतलब कि टेंडर हो गया है, जांच पड़ताल चल रही है, टीसी मीटिंग हो रहा है, समझ गए? अकाउंट्स में पीओ भेट के लिए आया हुआ है, वो मतलब पीओ फर्म को इशू नहीं किया गया है, प्रोसेस में। तो माना जाएगा कि वो भी हो जाएगा, इसलिए उसका भी माल मिलेगा निकट भविष्य में। तो अनकवर्ड ड्यूज उसको कहते हैं कि जिस डिमांड का अभी डिमांड से प्रोक्योरमेंट प्रोसेस जारी है, फाइनल पीओ फर्म को इशू नहीं किया गया है, तो वह डिमांडेड क्वांटिटी अनकवर्ड ड्यूज के रूप में दिया जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि कोई हम अनकवर्ड ड्यूज का डिमांड पहले जनरेट हुआ था, वो भी 400 क्वांटिटी का था, तो 500, 4, 900, 6, 1500, 500 लिए थे कि स्टॉक में है, 600 कवर्ड ड्यूज है और अनकवर्ड ड्यूज 400 है, 1500 हो गया इधर माइनस वाला, और वो तीनों जो प्लस वाला था क्या क्या? आईपी क्वांटिटी, सीपी क्वांटिटी, स्टॉक, ठीक है। इन तीनों में से हम घटा देंगे क्या, सॉरी बफर, और उन तीनों में से हम घटा देंगे स्टॉक, कवर्ड ड्यूज, अनकवर्ड ड्यूज, तो हमारा बचा कितना? 600। हम 2100 लाए थे ना उधर, हाँ, तो 600 जो हमारा आया क्वांटिटी, इसको कहते हैं नेट क्वांटिटी। नेट क्वांटिटी या नेट डिमांडेबल क्वांटिटी, तो ये बन गया स्टॉक आइटम का डिमांड, ठीक है। तो डिमांड का कैलकुलेशन ऐसे कर दिया। उसके बाद डिमांड में एलोकेशन लिखेगा, ठीक है ना, कि एलोकेशन की किस एलोकेशन से, किस हेड ऑफ एलोकेशन से इसकी प्रोक्योरमेंट की जाएगी, वो डिमांड पे दर्ज रहेगा। उसके बाद ये आइटम सेफ्टी है या अदर देन सेफ्टी है, यह भी उस पे दर्ज रहेगा डिमांड पे। तो ये आपको हम स्टॉक डिमांड का लगभग बातें बता दिए, वो डिमांड में क्या क्या होता है, उसका कैलकुलेशन कैसे होता है, वो बनता कैसे, वो स्टॉक डिमांड डिपो बना के कहाँ भेजेगा? पीसीएमएम ऑफिस को भेजेगा। डिपो जो हमारे फील्ड में है, जैसे पतरातू में है, गरहरा में है, बरवाडीह में है, समस्तीपुर में है, तो इन सभी डिपो से डिमांड बनेगा और प्रोक्योरमेंट के लिए कहाँ आएगा? पीसीएमएम ऑफिस में आ जाएगा। ये तो हो गया स्टॉक डिमांड। नॉन स्टॉक डिमांड क्या है भाई? तो नॉन स्टॉक डिमांड डिपो नहीं बनाएगा, नॉन स्टॉक डिमांड कंसाइनी बनाएगा। कौन बनाएगा? कंसाइनी बनाएगा। वो कंसाइनी कोई भी हो सकता है, लेखा कार्यालय भी हो सकता है कंसाइनी। आप समझ सकते हैं कैसे हो सकते हैं हम लोग कंसाइनी? जैसे अभी आपके ऑफिस में मॉड्यूलर चेयर लग रहा है, देख रहे हैं ना? हेलो, तो ये तो कोई स्टॉक आइटम है नहीं, जी। या कंप्यूटर खरीदना है आपके ऑफिस में, प्रिंटर खरीदना है आपके ऑफिस में, कार्टेज खरीदना है, तो ये सब तो स्टॉक आइटम है नहीं कि खरीद के पहले से रखा रहेगा, तो इसके लिए नॉन स्टॉक डिमांड बनता है। उसको स्पेशल फॉर्मेट है जिसका नाम है DS2। क्या नाम है? DS2, डिपो स्टोर 2, ठीक है। तो नॉन स्टॉक डिमांड बनेगा। नॉन स्टॉक डिमांड में भी डिमांड नंबर लिखा रहेगा, सेफ्टी है कि अदर देन सेफ्टी है लिखा रहेगा। उसके बाद जिस दिन बना वो, उसमें सीपी आईपी सबकी गणना से कोई मतलब नहीं, ठीक है। नॉन स्टॉक डिमांड में
उतना स्टॉक है क्या, अभी हमको कितना जरूरत है उतना लेना है, वो जरूरत दिखाना है, तो कितना खरीदना है वो मात्रा सिर्फ लिखा रहेगा, क्वांटिटी एलोकेशन लिखा रहेगा, अनुमानित मूल्य लिखा रहेगा, ये सब लिखा रहेगा। एक मेजर डिफरेंस है, पहले जो है स्टॉक डिमांड और नॉन स्टॉक डिमांड दोनों ही जो है अकाउंट्स ऑफिस में भेंट होने के लिए आता था, ठीक है, भेटिंग के लिए, लेकिन अभी वर्तमान में स्टॉक डिमांड जो है अकाउंट्स ऑफिस में भेंट नहीं होता है, ठीक है, एसोसिएट फाइनेंस या अकाउंट्स के द्वारा भेंट नहीं होता है, लेकिन नॉन स्टॉक डिमांड जो है एसोसिएट फाइनेंस के द्वारा भेंट होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि स्टोर अकाउंट ऑफिस को जहाँ हम काम कर रहे हैं कंप्यूटर खरीदना है, तो हमने नॉन स्टॉक डिमांड बनाया, तो ये भेंट होने के लिए कहाँ जाएगा, फाइनेंस भेटिंग के लिए, तो जनरल फाइनेंस के पास जाएगा। स्टोर में भी फाइनेंस है, लेकिन स्टोर फाइनेंस जो जनरल बातों के लिए नहीं है, ये सिर्फ हम स्टोर डिपार्टमेंट के लिए फाइनेंस है। स्टोर फाइनेंस किसके लिए है, किसका एसोसिएट फाइनेंस है, सिर्फ पीसीएमएम ऑफिस का हम फाइनेंस है। तो हम लोग भी जो नॉन स्टॉक डिमांड बनाएंगे वो हमारा जो जनरल फाइनेंस ऊपर में है वहां जाएगा भेंट होने के, तो इस तरह से नॉन स्टॉक डिमांड बनेगा, और नॉन स्टॉक डिमांड कंसाइनी से सीधे आएगा पीसीएमएम ऑफिस को, हम लोग भी बना के डीएसटू काट के पीसीएमएम ऑफिस को ही देंगे खरीद के लिए। अब पीसीएमएम ऑफिस क्या करेगा, जब आएगा तो पीसीएमएम ऑफिस में जब आएगा तो पीसीएमएम ऑफिस किसी भी तरह के डिमांड के लिए सबसे पहले परचेज प्रपोजल बनाएगा, क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, परचेज प्रपोजल, हाँ परचेज प्रपोजल परचेज बनाएगा, प्रपोजल, हाँ परचेज प्रपोजल में सारी डिटेल लिखेगा कि किस डिपो से कितना डिमांड प्राप्त हुआ है, कौन डिमांड नंबर है, कितना उसका क्वांटिटी है, उसका अनुमानित मूल्य क्या है, ठीक है। प्रपोजल में टेंडर का शर्त भी रखेगा कि टेंडर जो हम इसके लिए निकालेंगे तो उसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगे, सारा चीज रहेगा। यदि उस आइटम के लिए कोई फिक्स्ड सप्लायर है हमारे रेल में लिस्टेड है, ऐसे भी बहुत सारे आइटम होते हैं जिसको हम लोग पीएसी आइटम कहते हैं, प्रोप्राइटरी आइटम, ठीक है, तो उसके लिए कुछ सप्लायर लिस्टेड होते हैं कि वही बनाते हैं वही देते हैं हमको, तो वो भी उसमें वो लिखेगा कि ये माल फलाना फलाना ही बनाता है वहां से लेना है, सब डिटेल लिख देगा। परचेज प्रपोजल बनाया जाएगा और परचेज प्रपोजल जो है कंपनी द्वारा अप्रूव किया जाएगा, और ये सभी काम अब मैनुअल नहीं होता है, ये सभी काम अब कोची पर होता है, IREPS पर होता है, किस चीज पर होता है ये काम, अब IREPS हम लोग का सिस्टम बनाया है प्रोक्योरमेंट के लिए, जिसका नाम क्या है, IREPS, IREPS का फुल फॉर्म क्या है, हम बहुत सारा फुल फॉर्म आप लोग को बोल गए हैं, देखिए एब्रीविएशन का, इंडियन रेलवे प्रोक्योरमेंट सिस्टम, इंडियन रेलवे प्रोक्योरमेंट सिस्टम, IREPS, इंडियन रेलवे ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम, तो उस पे परचेज प्रपोजल अप्रूव होगा, जब परचेज प्रपोजल अप्रूव हो जाएगा तो क्या किया जाएगा, टेंडर पब्लिश किया जाएगा, क्या करेगा, भंडार विभाग टेंडर पब्लिश करेगा। तब हम एक दूसरे क्वेश्चन पे आ गए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कि निविदा की प्रणाली क्यों वांछनीय है, टेंडर, व्हाट इज द सिस्टम ऑफ टेंडरिंग डिजायरेबल, व्हाट इज द सिस्टम ऑफ टेंडरिंग डिजायरेबल, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ टेंडरिंग, टेंडर कितने तरह के होते हैं, हाउ डज द टेंडरिंग सिस्टम इंश्योर इकोनॉमिक बाइंग, और वो इकोनॉमिक बाइंग को कैसे इंश्योर करता है, ठीक है। तो क्यों आवश्यक है, सबसे पहले ये देखा जाए, देखिए टेंडरिंग सिस्टम इसलिए आवश्यक है कि हम वास्तविक आवश्यकता अनुसार ही भंडार की खरीद करें, ठीक है, साथ ही हम खरीद व्यय पूर्ण एवं नित्य व्ययता पूर्ण करें, साथ ही टेंडरिंग से हमें जो है प्रतियोगी प्राइस प्राप्त हो, क्या प्राप्त हो, प्रतियोगी प्राइस, कॉम्पिटिटिव प्राइस, जब कई बीडर भाग लेंगे तो हमको जो है मोस्ट कॉम्पिटिटिव प्राइस मिलेगा, जिससे कि हमको कम से कम खर्च होगा, तो इन सब बातों को प्राप्त करने के लिए कि वास्तविक यानी कि सही माल हम खरीद सकें,
उचित मूल्य पर हम माल खरीद सकें, प्रतियोगी दर पर हम माल खरीद सकें, इन सभी बातों के लिए जो है टेंडर प्रणाली अपनाई गई है। ठीक है, अब टेंडर कितने तरह का होता है? तो सबसे पहले होता है ओपन टेंडर, जिसको अब कहा जाता है ईओटी। अब क्या कहा जाता है, उसका नाम है ईओटी, मतलब इलेक्ट्रॉनिक ओपन टेंडर। ई प्रोक्योरमेंट क्या था हमारा, इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट था ना, तो अब जो टेंडर ओपन टेंडर है वो लिखाता है ईओटी, इलेक्ट्रॉनिक ओपन टेंडर। तो ओपन टेंडर क्या है, नाम से ही स्पष्ट है कि ओपन है, खुला है, कोई भी इसमें भाग ले सकता है। नहीं, नाम से ही स्पष्ट है कि यह टेंडर ओपन है, खुला है, कोई भी इसमें भाग ले सकता है। किताब की भाषा में हम आपको जरा बोल देते हैं, यह टेंडर ऐसी टेंडर है जो खुलेआम सभी योग्य सप्लायरों को विज्ञापन जारी करके तथा पर्याप्त नोटिस जारी करके मंगवाई जाती है। और इसमें जो है हमारे यहाँ जो वेंडर लिस्ट बना हुआ है, हम बोले थे अभी कि कुछ सप्लायरों का लिस्ट बना रहता है कि ICF अप्रूव्ड वेंडर हैं, DLW अप्रूव्ड वेंडर हैं, ये सब वेंडर लिस्ट में जिनका नाम नहीं है कोई भी इसमें भाग ले सकता है। तो यह हुआ ओपन टेंडर। तो प्राय ओपन टेंडर ज्यादातर जो मेटेरियल है हमारा उसके लिए ओपन टेंडर होता है। उसके बाद है लिमिटेड टेंडर। ठीक है, लिमिटेड टेंडर क्या है, तो इस टेंडर के अंतर्गत जो है केवल लिमिटेड ठेकेदारों से, लिमिटेड वेंडर से टेंडर मंगाया जाता है। हम जानते हैं कि 4-5 वेंडर की यही यही है सामान बनाते हैं और इसलिए उन्हीं को विज्ञापन दिया जाता है और उनसे मंगवाते हैं, कि फिर भी हम 4-5 को मंगवाते हैं कि हमको जो है कॉम्पिटिटिव रेट प्राप्त हो, हमको क्या प्राप्त हो, कॉम्पिटिटिव रेट प्राप्त हो। ठीक है, तो उन सबको हम देते हैं। तो ये हो गया आपको लिमिटेड टेंडर। लिमिटेड टेंडर मतलब जिसमें लिमिट किया हुआ है कि अमुक अमुक सप्लायर ही इस टेंडर में भाग ले सकता है। उसके बाद आता है एकल टेंडर। देखिए, बहुत सारा आइटम हमारा रेल में ऐसा यूज होता है जो कोई एक ही सप्लायर बनाता है, हमको पता है कि वो सेल ही ये मटेरियल बनाता है। ठीक है, बहुत सारा मटेरियल पता है कि ये भेल ही बनाता है, तो हम ओपन टेंडर या लिमिटेड टेंडर क्यों करेंगे, हम सीधे उन्हीं को टेंडर करते हैं। ठीक है, तो हम सीधे उन्हीं को टेंडर कर देते हैं, सिर्फ एकल आदमी को बुलाते हैं ठेका में और उन्हीं से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो इस तरह से टेंडर जारी हो सकता है। और एक अगला अब नया टेंडर है ग्लोबल टेंडर। अब आप 4 टेंडर जानिए कि टेंडर कितने प्रकार के होते हैं, 4, ओपन टेंडर, लिमिटेड टेंडर, सिंगल टेंडर और ग्लोबल टेंडर। जैसे बहुत सारे आइटम ऐसे हैं रेलों में यूज होने वाले जो ग्लोबली बनते हैं, तो हम चाहते हैं कि ग्लोबल बीडर से हम बीड मंगवाएं, ग्लोबल सप्लायर से हम बीड मंगवाएं, जिससे कि हमें जो है और उच्च क्वालिटी का मटेरियल मिले और बहुत कॉम्पिटिटिव प्राइस प्राप्त हो। तो इसके लिए अब ग्लोबल टेंडर की पद्धति अपनाई गई कि कहीं का भी बीडर इसमें पूरे विश्व में से भाग ले सकता है। तो ये हो गया आपका टेंडर का प्रकार। तो टेंडर करेगा भंडार विभाग। अब हम लोग भंडार विभाग का कार्य पहले देख रहे थे, क्यों देख रहे थे, हम शुरू में बताए थे कि हम उसी का काम का जांच करते हैं। हम किसका जांच करते हैं, भंडार विभाग जो काम हमको यहाँ भेजता है भेटिंग के लिए या अदर चीजों के लिए, तो टेंडर हो गया। अब टेंडर हो गया तो उसमें देखिए, अब टेंडर में दो तरह का मामला बनता है। एक केस में है कि टेंडर कमेटी बैठेगी, ठीक है, और कुछ केस है कि भंडार विभाग के अधिकारी डायरेक्ट एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे 50 लाख रुपए तक का यदि परचेज ऑर्डर है तो उसको भंडार विभाग के JAG लेवल के अधिकारी डायरेक्ट एक्सेप्ट करेंगे, उसके लिए टेंडर कमिटी नहीं बनेगी। ठीक है, 50 लाख से 1 करोड़ तक का वैल्यू है तो सीनियर स्केल लेवल टेंडर कमिटी बनेगा। किस लेवल का टेंडर कमिटी बनेगा, सीनियर स्केल, यानी आपके सीनियर AF है, उसमें कौन कौन मेंबर रहेंगे,
तो एक भंडार विभाग से एसएमएम रहेंगे, एसएमएम मतलब सीनियर मटेरियल मैनेजर, और अकाउंट्स प्रतिनिधि के रूप में सीनियर एएफए रहेंगे, और कंसाइनी जिस डिपार्टमेंट का सामान खरीदा रहा है तो वो टेक्निकल मेंबर रहेगा उस डिपार्टमेंट का सीनियर स्केल ऑफिसर। इस तरह से टीसी बन जाएगा। टीसी के बाद जो है क्या होगा कि या तो डायरेक्ट एक्सेप्टेंस के सीनियर स्केल ऑफिसर होता है सर। हाँ सीनियर 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 स्केल ऑफिसर कहते हैं सीनियर एएफए, ठीक है। एएफए को कहते हैं जूनियर स्केल ऑफिसर, और डिप्टी जो हमारे हैं, जो डिप्टी हम लोग के यहाँ है, उनको कहते हैं जे ग्रेड ऑफिसर, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड ऑफिसर, ठीक है। और जो हमारे सीओ साहब हैं उनको कहते हैं एसएजी लेवल का ऑफिसर, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड ऑफिसर, ठीक है। और जो हमारे पीएफए साहब हैं उनको हम लोग बोलते हैं एचएजी, उनका जो लेवल है वो है एएजी, हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड ऑफिसर। तो एक लिमिट बना हुआ है कि कौन टेंडर एचएजी जाएगा, कौन टेंडर कल एमएसओपी बना हुआ है उसके लिए, कल हम ले आएंगे एमएसओपी, ठीक है ना। उससे आपको लिखवाएंगे कि जेएजी कितना तक का टीसी कर देंगे, एचएजी कितना तक का करेंगे, एसएजी कितना तक का करेंगे, ठीक है, तो उसको कल हम लिखवाएंगे। तो इस तरह से टेंडर बन जाएगा, टेंडर में पास हो गया तो परचेज प्रपोजल बनेगा, तब क्या बनेगा, परचेज ऑर्डर जारी होगा। क्या जारी होगा, परचेज ऑर्डर जारी होगा। वो परचेज ऑर्डर आएगा, अब हमारा काम शुरू होता है हम लोगों का, ठीक है, कि परचेज ऑर्डर भेंट होने के लिए आ जाएगा हमारे स्टोर अकाउंट्स ऑफिस में। कहाँ जाएगा परचेज ऑर्डर भेंट होने के लिए, स्टोर अकाउंट्स ऑफिस, स्टोर अकाउंट ऑफिस का यहीं से काम शुरू होता है, समझे। एक तो टीसी मेंबर के रूप में हमारे अधिकारी वहां गए तो वहां से काम शुरू हुआ कि भंडार का टीसीओ देख रहे हैं। दूसरा भंडार विभाग जब हमको, एक तो हुआ कि नॉन स्टॉक डिमांड की भेटिंग होती है, वहां भी हमारा काम शुरू होता है कि नॉन स्टॉक डिमांड हमको भेंट करने के लिए देगा तो हम उसकी जांच करेंगे, क्या क्या जांच करेंगे आगे पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में, और उसको भेंट करेंगे। लेकिन जब पीओ बन गया परचेज ऑर्डर, तो वो परचेज ऑर्डर भेंट होने के लिए हमारे पास आएगा, स्टोर लेखा कार्यालय में आएगा, यहीं से स्टोर लेखा कार्यालय की शुरुआत होगी। तो स्टोर लेखा कार्यालय का फाइनेंस सेक्शन, जहाँ की हम अभी काम कर रहे हैं, परचेज ऑर्डर की जांच करेगा। तो जांच हम लोग वैसे ही करेंगे, पहले डिमांड की जांच करेंगे कि डिमांड सही है नहीं, इतना ही मटेरियल चाहिए नहीं तो, उसके बाद टेंडर कंडीशन जितना टर्म एंड कंडीशन जो टीसी मेंबर ने तय किया है वो सारा पीओ में सही सही लिखा गया है, डिलीवरी शेड्यूल सही दिया गया है, प्राइस सही उस पर अंकित किया गया है, रेट सही अंकित किया गया है, बेसिक रेट जो है, जीएसटी यदि लगना है तो उल्लिखित अंकित किया गया है, डिमांड नंबर उस पर दे दिया गया है, उसका डेट दे दिया गया है, जिस फर्म को जारी किया जाना है उस फर्म का एड्रेस सही से लिखा गया है, उसके बाद उस फर्म का अकाउंट डिटेल सही से लिखा गया है, ये सब करके जांचेंगे हम लोग, सही पाएंगे तो उस पीओ को भेंट कर देंगे। जब हम लोग पीओ भेंट कर देंगे तब वो भंडार विभाग सप्लायर को पीओ जारी कर देगा, ठीक है। तो ये तो मोटा मोटी आप काम देख लिया कि स्टोर फाइनेंस सेक्शन कौन सा काम किया। जब सप्लायर को चला जाएगा तो सप्लायर मटेरियल की सप्लाई करेगा, सप्लाई करेगा तो उसका बिल आएगा, बिल आएगा तो हमारे यहाँ सेक्शन बना हुआ है स्टोर बिल सेक्शन। क्या बना हुआ है, स्टोर बिल सेक्शन, वहां पर बिल पास होगा। वो एक हमारे यहाँ से देखिए तो बहुत सारे पीओ में कंडीशन रहता है कि 95% ही पहले पास होता है, 5% बाद में पास होता है, उसको रोक लिया जाता है, रिसीट दिखाने पर उसको पास किया जाता है, ठीक है। तो वो 5% के लिए जो हमारे यहाँ पर बना हुआ है परचेज सस्पेंस सेक्शन, कौन सा सेक्शन बना हुआ है, परचेज सस्पेंस सेक्शन, उसको जांचता है 5% जो रह गया, और उस 5% की पेमेंट परचेज सेक्शन CO7 बना के देता है, तो उसके आधार पर स्टोर बिल सेक्शन उसका पेमेंट करवाता है। तो ये तीन मेन सेक्शन है हमारे, ये जानिए कार्य प्रणाली, स्टोर फाइनेंस, स्टोर बिल्स, स्टोर परचेज। उसके बाद जब कोई भी चीज होगा तो बुक्स में वो आएगा, हम चूंकि अकाउंट्स भी हैं, हम तो फाइनेंस नहीं है, तो बुक्स हम रखते हैं, मेंटेन करते हैं, अकाउंट मेंटेन करते हैं,
इसके लिए स्टोर बुक सेक्शन भी खुला हुआ है हम लोगों के यहाँ। अब खर्च हो रहा है सामान खरीदने में, तो उसके लिए बजट भी चाहिए, तो बजट पर नजर रखने के लिए हमारे यहाँ स्टोर अकाउंट में स्टोर बजट भी है, तो बजट सेक्शन भी हो गया हमारे यहाँ। तो ये तो हो गया कि देखिए भंडार विभाग ही खरीदारी वाला एक काम करता है, तो खरीदारी से जुड़ा हुआ हम बता दिए। लेकिन भंडार विभाग एक और पीसीएमएम ऑफिस एक और मुख्य काम करता है, वो अनयूज्ड सामान को जो सामान स्क्रैप हो गया उसका सेल भी करता है, क्या करता है उसका बिक्री भी करता है, उसके लिए वो ऑक्शन करता है, नीलामी करता है। तो उस बिक्री का लेखा करने के लिए, उस पर नजर रखने के लिए हमारे यहाँ दो सेक्शन काम करता है। एक तो है कि आईएसए सेक्शन काम करता है, इंस्पेक्टर ऑफ स्टोर अकाउंट्स का हमारा जो सेक्शन, जिसमें एसबी और आईएसए काम करते हैं। और दूसरा जो भी बिक्री हुआ उसमें कितना क्रेडिट हुआ, डेबिट हुआ, इन सबों पर नजर रखने के लिए, हिसाब रखने के लिए, लेखा रखने के लिए, अकाउंटल करने के लिए हमारे यहाँ जो है सेल्स सस्पेंस सेक्शन काम करता है। एक सेल्स सस्पेंस सेक्शन हो गया हमारे यहाँ मुख्य सेक्शन। तो स्टोर्स अकाउंट्स के ये मुख्य सेक्शन है। और एक और अलग से भी सेक्शन है, रेलवे एक स्पेशल आइटम खरीदती है, जो भारत में हमारे तीन ही सप्लायर है। कौन सा आइटम हो स्पेशल भाई बताइए आप, आज रेगुलर कंज्यूमेबल भी है हमारा रेल चलता है, गेस करिए, रेल चलता है तो उसका यूज होता है। रेलवे एचएसडी वायल खरीदती है, हाई स्पीड डीजल, ठीक है, और वो तीन ही फर्म से खरीदती है, बीपीसीएल, आईओसीएल और इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम, एचपीसीएल, इन तीनों से हम लोग खरीदते हैं। तो ये एक बड़ा आइटम होता है, रेगुलर खरीदारी होता है, ज्यादा मूल्य का भी होता है, तो इसके लिए स्टोर अकाउंट ऑफिस में एक अलग सेक्शन काम करता है, उसका नाम है फ्यूल बिल सेक्शन। ये फ्यूल है, एक स्पेशल आइटम है कि फ्यूल है, तो इसके लिए हम लोग के यहाँ कौन सा सेक्शन काम करता है, फ्यूल बिल सेक्शन काम करता है। तो हमने आपको मोटा मोटी भंडार विभाग क्या काम करता है और उससे रिलेटेड चेकिंग के लिए हमारे यहाँ कौन कौन सा सेक्शन बना हुआ है आज बताया आपको शॉर्ट में, और कुछ एब्रिविएशन बताया आप लोगों को, उससे रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन आएंगे। आप कोई बोल रहा था कोई क्वेश्चन, आप क्वेश्चन बोलिए, सुन पा रहे हैं आप लोग हमको? हाँ सर। क्या था सर एक क्वेश्चन था कि प्राइस लिस्ट पीएल क्रमांक में सब ग्रुप किसके द्वारा दर्शाया जाता है? सब ग्रुप वो भंडार विभाग दर्शाएगा, नहीं किस अंग के द्वारा? अच्छा सब ठीक है, पहला तो दो हो गया आपको, ये डिपो हो गया, उसके बाद ईयर हो गया, ठीक है, वो जो नंबर चार को लास्ट में है ना, तो उसका कोई अच्छा डिटेल, इसको हम कल क्लियर करेंगे आपको, ठीक है ना, कल क्लियर करेंगे, देखते हैं डिमांड में क्या लिखे हुए, उसको ओरिजिनल डिमांड ही हम देखते हैं, ठीक है, इसको कल क्लियर करेंगे। और कुछ अब कल हम लोग चर्चा करेंगे, कल हम लोग मेन क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे कि स्टोर लेखा से कौन कौन सा मेन क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है ना, जो आपके एग्जाम में आएगा। अभी तो हम कार्य प्रणाली आपको समझा दिए विभाग का, जो जानना सबसे जरूरी था, क्योंकि जो स्टोर अकाउंट में नहीं काम करता वो नहीं जानता है। हाँ बोलिए सर, डायरेक्ट एक्सेप्टेंस में हाँ कितना तक कीमत के लिए डायरेक्ट एक्सेप्टेंस हो सकता है? 50,000। इसका भी हम कल पूरा लिखवा देंगे आप लोगों को कि किस लेवल का अधिकारी कितना का वो करेगा डायरेक्ट एक्सेप्टेंस, ठीक है ना, तो 50,00,000 याद रखिए, 50,00,000 से ज्यादा का डायरेक्ट एक्सेप्टेंस नहीं हो सकता, ठीक है ना, 50,00,000 से जैसे ही प्राइस पार करेगा वो टीसी केस हो जाएगा। मैक्सिमम एक्सेप्टेंस सर, डायरेक्ट एक्सेप्टेंस मैक्सिमम बोले तो 50,000। भंडार का प्रमुख किसको बोलते हैं, स्टोर कंट्रोलर को या? हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने किया। भंडार विभाग के प्रमुख का जो पहले पद नाम था वो था COS, कंट्रोलर ऑफ स्टोर, ठीक है, लेकिन अब वह पद नाम बदल के हो गया है PCMM, तो भंडार विभाग के प्रमुख PCMM है, प्रिंसिपल चीफ मटेरियल मैनेजर, ठीक है।
सीओएस का ही नाम बदल के, आप किताब में पढ़ते होंगे ना, तो भंडार नियंत्रक लिखा मिलता होगा, है ना। लेकिन यस सर, वही नाम बदल के अब हो गया है पीसीएमएम, प्रिंसिपल चीफ मटेरियल मैनेजर। तो अब खत्म किया जाए सर। हाँ बोलिए। कल एक क्लास और ले लीजिएगा सर। हाँ कल एक क्लास है, कल हम मेन क्वेश्चंस पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप लेके आइएगा सर। ठीक ओके। हेलो ऑब्जेक्टिव टाइप। हेलो हाँ बोलो प्रवीण। हेलो प्रवीण बोल रहा है, बोलो। हेलो हाँ हम तो सुन रहे हैं। हेलो बोलो। नहीं सुन पा रहा है। हेलो हाँ सर। हाँ सर, टेंडर कमिटी में सर एसओ में सीनियर एफए और कौन होता है? टेंडर कमिटी में एसओ नहीं, सीनियर एफए रहेंगे, जब सीनियर स्केल टीसी होगा तब सीनियर एफए रहेंगे, उधर से एसएमएम रहेंगे, और एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट का कंसाइनी डिपार्टमेंट का एक टेक्निकल मेंबर उसी लेवल का होगा जो सीनियर स्केल का होगा। मान लीजिए कि मैकेनिकल का है तो एसएमएम ही होगा। ठीक है हाँ, तो हमको लगता है कि अब क्लास को क्लोज किया जाए क्या? जी, कल जी सर। कल डिस्कशन किया जाएगा और आप लोगों को ले आके हम वर्तमान का जो एमएस हम लोग का जो शेड्यूल ऑफ पावर है उसके अनुसार नोट करवा देंगे किस किस चीज में क्या है। ठीक है ओके। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ आप सबको गुड इवनिंग। उम्मीद है कि आप लोग सर का, सतीश सर का फायदा उठाए होंगे आप लोग, और मैंने मैंने थैंक्स टू यू ऑल ऑफ यू। अच्छा एक और चीज, आप सब लोग आज का फीडबैक जरूर कंप्लीट कर दें, ऑल शुड कंप्लीट जी सर। हाँ फीडबैक आज कंप्लीट कर दें, क्योंकि ऐसा डिसीजन हुआ है कि सेम डे में, जैसे आज 23 तारीख है, 23 तारीख का आज 12 बजे तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। कल 22 तारीख था, 22 तारीख वाला फीडबैक 22 तारीख को कंप्लीट कर दिया। बैकलॉग जो है बचा हुआ उसको सर 25 तारीख तक बोले हैं करने के लिए, 25 तारीख के अंदर सब लोग कर देंगे। ऐसे सब लोगों ने रिस्पांस अच्छा दिया है, बहुत लोगों ने लगभग 50% से ऊपर लोगों ने अपना फीडबैक दे दिया है। बाकी लोग बचे हुए हैं तो बाकी लोग से भी रिक्वेस्ट है कि अपना फीडबैक दे दें, और सर उसको मॉनिटर भी कर रहे हैं। तो फिर हम लोग मिलते हैं कल 11:30 बजे। आज सर का नाम क्या है? आज जो जो सर अभी अभी जो सर आया है सतीश नाम है इनका, और दो क्लास और पहला जो क्लास हुआ था वो था क्या, राकेश सर तो सेकंड पीरियड लिया है, भूषण सर, भूषण जी है फर्स्ट पीरियड, भूषण जी का था फर्स्ट पीरियड, भूषण जी का।